हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 31 मई 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो उससे पहले गाइस, आपने जो 30 मई का जो ट्रेड दिया था उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में अगर आपके कल के स्टॉक जो आपने देखे होंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है, यानी कि जो लेवल आपने देते वो लेवल के ऊपर स्टॉक जाएगा तभी वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग कहलाएगा और उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। तो वो आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। अगर कल का जो स्टॉक दिए थे वो आज देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। टीडी पावर सिस्टम अपने बोला था ओपन प्राइस पे बाय करना था, स्टॉक एक्टिव भी था, ओपन प्राइस था 200 के आसपास था, 197 का स्टॉप लॉस था, तो वो अपना ट्रिगर हो गया एसएल, तो वहां पे एसएल स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। दूसरा स्टॉक था चोला होल्डिंग फाइनेंस। चोला होल्डिंग फाइनेंस में देखोगे तो अपने बोला था कि 850 के ऊपर ही स्टॉक को बाय करना है, तो स्टॉक का आज का हाई देखोगे तो 848 के आसपास है, लेकिन 850 के ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई, नीचे की साइड 820-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपना बाइंग लेवल के ऊपर गया नहीं और स्टॉप लॉस लेवल पहले ट्रिगर हो गया नीचे की साइड, तो वो इनवैलिड काउंट हो जाता है। पावर मैग में भी देखोगे तो अपने जो लेवल दिया था उसके ऊपर स्टॉक गया नहीं और नीचे की साइड स्टॉक में गिरावट आ गई। सीएट लिमिटेड में भी सेम हुआ, आपने बोला था कि 2041 के ऊपर बाय करना है, स्टॉक का आज का हाई देखोगे तो 2032 का था, उसके बाद स्टॉक में भारी भरकम गिरावट आई, स्टॉक में 5 या 6% के नीचे की साइड गिरावट आ गई। तो आपको वो बहुत डिसिप्लिन अगर आप रखते हो तो मार्केट से पैसे में कमाओगे नहीं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। जैसे कि सीआरटी है, पावर मैक के, ये सारे वीक स्टॉक काउंट होते हैं, अगर वो अपने लेवल ब्रेक करते तो उसमें अच्छी रैली आ सकती थी, लेकिन वो कंडीशनल बाइंग थी तो वो आपको ध्यान में रखना था। जैसे कि कल अपने वीडियो में बोला था कि दो अपने ओपन ट्रेड थे जो संडे को दिए थे, रैंको सीमेंट 886 के आसपास एक्टिव हुआ था, कल भी उसका क्लोजिंग इसके आसपास ही था, लेकिन स्टॉक का आज का हाई देखोगे तो 920 और उसके ऊपर भी गया था। आईटीडी सीमेंटेशन बोला था कि बाय ऑन डिप करना है, संडे का स्विंग ट्रेड में बोला था, कल अपना कॉल एक्टिव भी हुआ था लेकिन ओपन था क्योंकि टारगेट कल नहीं आया था, आज देखोगे तो स्टॉक 145 वाला 155 अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जब भी स्टॉप लॉस होता है तो छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड आता है तो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि टीडी पावर सिस्टम में देखोगे तो 200 वाला स्टॉक 197 आप एग्जिट हो गए, तो इसमें आपका कुछ ज्यादा लॉस नहीं आ सकता, लेकिन अगर अपने फेवर में स्टॉक जाता है जैसे कि आईटीटी सीमेंटेशन, 145 पे अपने बाय बोला था, 143 का स्टॉप लॉस था, संडे का वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, 2 रुपीज का रिस्क में आपको यहाँ पे अभी 10 रुपीज मिल रहा है। तो ये पावर होता है रिस्क और रिवॉर्ड मैच करने का, अगर आपकी एक्यूरेसी 30-40% रहेगी तो भी मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो उसके अलावा गाइज, अपने प्रीमियम ग्रुप चालू कर दिया है, टेलीग्राम प्रीमियम चैनल, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसमें हो सकते हो, उसमें बहुत लिमिटेड ट्रेड मिलेंगे लेकिन बहुत अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको सीखने को भी मिलेगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अभी वीडियो के बाद मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, तो जो लोग नए ज्वाइन हुए जिनको पता नहीं है तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और इसमें क्या क्या मिलेगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चार स्टॉक बताऊंगा जो आप कल बाय कर सकते हो। स्टॉक का नाम रहेगा पहला अपोलो टायर, उसको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि अपने कौन से सेटअप के हिसाब से बाय करते हैं। तो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है अपोलो टायर, बाय करने का रीजन कौन सा है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाय ऑन डिप विद एडीएक्स है। रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट यानी कि स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद रिजेक्शन आया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, कंसोलिडेशन किया और फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे। उसके बाद स्टॉक कहाँ पे आया, जैसे ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये पूरा क्या हो जाता है, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक अभी डिमांड जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और नीचे से देखोगे छोटा सा ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे 1-2 बार सपोर्ट है और अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है। और तीसरा रीजन जिसके दम पे अपने बोल सकते हैं कि स्टॉक यहाँ तक ही जा सकता है, यहाँ से रिवर्स आने के चांसेस 80% है, जो अपना सेटअप रहेगा वो बाय एंड डिप विद एडीएक्स है। एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 आती है, अपने दो इंडिकेटर यूज करते हैं, एडीएक्स और विलियम्स आर 14 यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेटअप बता रहा है कि स्टॉक का मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है, स्टॉक ऐसे बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर कंडीशनल बाइंग करनी है, ऊपर नहीं गया तो स्टॉक में भारी भरकम गिरावट नीचे की साइड भी आ सकती है। उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपको सेल करना है, क्योंकि अप ट्रेंड वाला स्टॉक है तो इसको आपको सेल करने का ट्राई नहीं करना, कितना भी वो नीचे जाएगा यहाँ
तो उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, स्टॉक फिर से ऊपर चला जाएगा। तो आपको सेल तो करना ही नहीं, लेकिन बाय करना है तो ये लेवल के ऊपर ही बाय करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अपोलो टायर का अभी सीएमपी है 385 के आसपास है, तो आपको 389 के ऊपर बाय करना है। 383 का स्टॉप लॉस लगा के 400 और 410 का टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है कि 389 का लेवल जाएगा तब भी बाय करना है। जैसे कि ये 389 का लेवल है और ये वाला लेवल है आपका 383 का लेवल है। अभी स्टॉक समझो यहाँ पे ओपन होता है, तो स्टॉक को ऊपर पहले ब्रेक करना चाहिए तभी कॉल एक्टिव होगा। जैसे कि अगर आज सीआरट में हो गए, पावर मैक में हो गया, अगर स्टॉक पहले नीचे चला जाता है तो वो आपका इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो अपना पहला स्टॉक है अपोलो टायर जो आपको बाय करना है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है वीबीएल। वीबीएल को आपको बाय करने का ट्राई करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। 2 घंटे की कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम रहेगा वीबीएल। बाय करने का सिंपल सा रीजन है, देखोगे तो ट्रेडिंग एट रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल पॉइंट क्या होता है तो जो लोग नए जुड़े उनको बता देता हूँ। अपने रिवर्सल पॉइंट उसको बोलते हैं कि जहां से आपका पूरा डिमांड जो है उसके अंदर से ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, तो वो एरिया क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रही है तो एरिया को आप क्या बोल सकते हो, रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसको ट्रेंडिंग का भी सपोर्ट मिलेगा और डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा। यानी कि रिवर्सल पॉइंट उसको बोलते हैं कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो वो एरिया को आप क्या बोल सकते हो, रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हो। तो ये अपना रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है। तो अभी आपको करना क्या है, वीपीएल का अभी सीएमपी कितना है 1648 है, तो आपको बाय नहीं करना, लेकिन आपको ये रिटेस्ट कैंडल है क्योंकि पिछले 15 मिनट की कैंडल है, उसने लो ज्यादा मारा है, तो वैसे तो आप ये डिसीजन कैंडल होनी चाहिए, उसके हाई के ऊपर आपका बाय होना चाहिए, लेकिन ये पूरे 2 घंटे की कैंडल नहीं बनती क्योंकि मार्केट चलता है 6 घंटा 15 मिनट। तो ये पिछले 15 मिनट की कैंडल है, तो अपने इसका हाई लेंगे लेकिन लो इसका लेंगे, तो ये आपका लो रहेगा। तो अभी सीएमपी के ना 1648 तक आपको 1674 के ऊपर बाय करना है। 1640 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट रहेगा 1720 का। 1 से 3 दिन में स्टॉक लेवल दिखा सकता है, लेकिन ये लेवल ऊपर जाएगा तभी आपको बाय करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जो आप कल बाय करने का ट्राई कर सकते हो। स्टॉक का नाम रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया आपने ऑलरेडी लास्ट वीक पे ही 240 के आसपास करीब बाय बोला था, तो वहां पे अपना टारगेट शायद अच्छी हो गया है, लेकिन अगर किसी ने बाय नहीं किया तो फिर से अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप बाय कर सकते हो। 2 घंटे के कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम रहेगा कोल इंडिया। बाय करने का रीजन कौन सा है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है, स्टॉक ऊपर गया उसके बाद रिजेक्शन आया और यहाँ से स्टॉक ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो। उसके बाद स्टॉक में नीचे की साइड गिरावट आई, तो अभी स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करा है इसको आप क्या बोल सकते हो, रिटेस्ट कैंडल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे रिटेस्ट कैंडल का मैक्सिमम जो जहाँ से स्टॉक नीचे आता है और जो कैंडल मैक्सिमम लो मारती है, वो उसके हाई के ऊपर आपको बाय करने का ट्राई करना है। सिर्फ वो देखना है कि पिछले 15 मिनट अगर लो मारते हैं तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, जैसे प्रीवियस में वीपीएल में समझाया। तो यहाँ पे देखोगे तो एक कैंडल का सबसे ज्यादा लो है, उसके बाद एक कैंडल ने लो नहीं मारा है, ये 2 कैंडल इनसाइड बार बनी है, यानी कि सबसे ज्यादा लो एक कैंडल का है, तो उसके हाई के ऊपर आपका बाय बनता है, तो इसके हाई के ऊपर बाय करना है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो सीएमपी कितना है 244 के आसपास है, तो आपको 246 के ऊपर बाय करना है। 243 का स्टॉप लॉस लगा के 252 का टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन ये लेवल ब्रेक करेगा तभी बाय करना है। अगर स्टॉक पहले 243 के नीचे चला गया तो वो आपका इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो अपना तीसरा स्टॉक था जो आपको बाय करना है, लेकिन कंडीशनल बाइंग है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल को आपको बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम रहेगा कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, सिंपल सा एनालिसिस है। स्टॉक के यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और आज देखोगे तो इनसाइड बार बना है, यानी कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन सपोर्ट कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी आपको देखना है कि स्टॉक ये दोनों के बीच में ओपन होकर पहले नीचे आ जाता है तो वो आपका इन्वेलिड सेटअप हो जाएगा। तो अभी सीएमपी 1151 के आसपास है, तो आपको 1173 के ऊपर बाय करना है। 1134 का स्टॉप लॉस लगा के 1220 का टारगेट आ सकता है। टाइम पीरियड 1 से 3 दिन का लग सकता है। तो अपना चौथा और आखिरी स्टॉक था जो कंडीशनल बाइंग था। तो आज अपने चारों स्टॉक देखोगे तो कंडीशनल बाइंग है, उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है क्योंकि अभी मार्केट एकदम टॉप पे चल रहा है, तो यहाँ से निफ्टी में रिवर्सल में भी आ सकता है, इसलिए आपको ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जो ऑलरेडी मोमेंटम में स्टॉक है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सके। ऐसे स्टॉक होंगे तो अपना कॉल एक्टिव होगा और आराम से उसमें से पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि
अभी संडे को आपने 5 ट्रेड दिए थे, कितने दिए थे? 5 ट्रेड। अगर संडे का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें से सिर्फ 2 ही कॉल एक्टिव हुए। ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, यानी कि आउट परफॉर्म करते हैं। तो 2 ही स्टॉक एक्टिव हुए, लेकिन देखोगे तो 2 ही स्टॉक एक्टिव होने से दोनों स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि वो जो लेवल दिया था उसके ऊपर स्टॉक गया, यानी कि स्टॉक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। और जो 3 स्टॉक दिए थे वो एक्टिव ही नहीं हो पाए, तो वो स्टॉक में कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि मैंने 4 स्टॉक दिए उसका मतलब ये नहीं कि चारों अच्छे हैं, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है कि वो लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद अच्छे बनेंगे। अगर वो लेवल ब्रेक करेगा नहीं करेगा तो वो उसके बाद गिरावट भी आ सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज अगर आप प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं अभी वीडियो के बाद यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, पहले आपने लिंक दिया था लेकिन वो अभी गेटवे पेमेंट क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, उसकी वजह से हो नहीं पा रहा। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको गूगल पे का नंबर दूंगा, आप गूगल पे कर सकते हो, जीपे टेलीफोन पे भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।